ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। माँ, जल्दी से खाना दो, स्कूल जाने में देर हो रही है। हाँ, दे रही हूँ। ले, खाना खा ले। अहना सरल सीधा स्वभाव की एक ग्रामीण लड़की है। लिखने पढ़ने में बहु लोगों की तरह ही अहना अपने माता पिता के साथ रामलीला देखने गई थी। आज उसका ऐसा ही हुआ। उफ, आज भी देर हो गई स्कूल आने में। ओह, जाने दो, नहीं जाऊंगी पढ़ने। जा रही हूँ बगीचे में घूमूंगी और समय बिता के शाम को घर जाऊंगी। अरे शर्मा जी के आम के पेड़ पे कितने सारे आम हुए हैं, पके भी हैं। जाती हूँ, जाके एक दो तोड़ती हूँ। अरे पेड़ की डाल पर कौन बा रे? उतर जो बोला था नी। अरे माली ने देख लिया। अरे उतरे के बोला था नी। हाँ हाँ उतर रही हूँ। चोर कहीं के तू पूरा दोपहर में आके दूसरा के पेड़ से आम तोड़ता रे। उतर। फिर यदि तो के बगान में देख ली तो मार के तोरा हाथ पांव तोड़ डाला, सुन ले। रुक माली, मुझे मौका मिलेगा ना तो इसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। इधर उसी दिन रात के समय अहना के घर के सामने मैदान में रामलीला थी। मैं काल रूपी मृत्यु हूँ, यमराज मेरा नाम है। इस भयंकर काल दंड से मैं रावण का वध करूंगा। सभी मन लगा के रामलीला देख रहे हैं। यही सही मौका है, जाके शर्मा जी के बगीचे में आम तोड़कर सारा नुकसान करके उस माली को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। गुस्से में तो मैं आ गई, लेकिन इस अंधेरे में शर्मा जी के बगीचे में जाने से तो डर लग रहा है। है लड़की, कहाँ जा रही हो? लगता है यादव के बगीचे में माली को सजा देने जा रही हो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? माली जब तुम्हें डांट रहा था तब मैं दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा था। सुनी, माली के ऊपर मुझे भी बहुत क्रोध है। चलो हम तुम दोनों मिलकर उसे सजा दें। आओ मेरे साथ। अरे वो आदमी कहाँ चला गया? चाचा जी, ओ चाचा जी, सुन रहे हैं? ए लड़की मिल गई जो तू,
हम लोगों के साथ आनंद से नाच करो तक दिन दिन। माँ ये तो भूत लोग हैं, अब क्या करूँगी? अब खाऊंगा हर मन से, अब खाऊंगा चबा चबा। छोटी लड़की आओ मेरे मुंह में, चबा चबा कर खाएंगे, चबा चबा कर खाऊंगा। अरे छोटी लड़की मैं तुमको कैसे खाऊं? मुझे भी मुलायम मांस खाने का मौका मिला है, खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, भाग मैं पाऊंगा। इन भूतों से कैसे भी करके बचना होगा। मैं भी खाऊंगी हड्डी पसली तोड़ तोड़ के खाऊंगी, तुम्हारे हड्डियों का रॉकेट बना के उड़ के चली जाऊंगी। अरे ये कौन है रे? तुम मनुष्य हो ना और कोई हो? अरे बाप रे बाप, जो जहाँ पे है सो जल्दी भागो, ये मामूली लड़की नहीं है। नहीं, अब मैं यहाँ से भागती हूँ। उसके बाद से ही अहना यादव जी के बगीचे में और किसी दूसरे रात नहीं गई।